चलो, गुड मॉर्निंग। ओके, तो सब कुछ ठीक है आई सपोज, साउंड वगैरह। चलो, बात यह है कि आज से जनरल साइंस का टॉपिक वाइज मैं करा दूंगा। हम लोगों ने बाकी सारे क्वेश्चंस देख लिए, नियर अबाउट 200 क्वेश्चंस हम लोग का हो चुका है। एंड उस 200 क्वेश्चंस में हमने ये देखा है कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस में। तो जिस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन साइंस में पूछे जा रहे हैं, और नॉट ओनली जिस टॉपिक से, ओवरऑल जहां से भी साइंस का क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो, SSC CHSL हो, ADRE हो, जहां पे भी अभी RRB NTPC का एग्जाम आ रहा है, कहीं पे भी जो वन डे एग्जाम और फैक्ट बेस्ड एग्जाम है, 10th के लेवल तक पूछ देते हैं वो लोग साइंस, तो उसके हिसाब से अभी टॉपिक वाइज, पहले बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री करके टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर, उसके नोट्स, उसके साथ उसके एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। एंड दैट्स इट, वही बात है। यहां पे कुछ एमसीक्यूज करा दूंगा, बाकी के एमसीक्यूज, इसके इसके जो बाकी के एमसीक्यूज होंगे, मतलब यहाँ पे तो मैं 500 एमसीक्यू कराऊंगा। उसके बाद वाले एमसीक्यूज जो होंगे वो ऐप में होंगे, जो पेड बैचेस चल रहा है वहां पे रहेगा वो एमसीक्यूज। बहुत सारे एमसीक्यूज है, कुछ मैं 1,000-1,500 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगा हर हर सब्जेक्ट पे, लाइक पॉलिटी का हो गया, फिर साइंस का हो गया, समझ रहे हो, हिस्ट्री के हो गए। तो ये जितने भी एमसीक्यूज वगैरह है ना, वो मैं मतलब आई विल गिव इट टू, लगभग 1,000-1,500 एमसीक्यूज हर एक सब्जेक्ट का मैं प्रैक्टिस करा के भेजूंगा बच्चों को। जितने यहाँ पे होते हैं उतने यहाँ पे होंगे, जितने ऐप में होते हैं उतने ऐप में होंगे, सब मिला जुला के रहेगा। कंटेंट ये कि इसका वहां पे और उसका वहां यहाँ पे नहीं होगा, सिंपल एज दैट। नोट्स वगैरह सेम है, क्वेश्चंस के फर्क रहेंगे और क्लासेस के फर्क होंगे। जैसे पॉलिटी वहीं पे हो रहा है, पॉलिटी में यहाँ पे करा नहीं रहा हूँ एकदम। हाँ, पॉलिटी के बस फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड DPSP में यहाँ पे करा दूंगा, मैं उसको वहां पे नहीं कराऊंगा, ओपन टू ऑल रह जाएगा। मैं उसी के डेट ढूंढ रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली संडे को मैं एक मैराथन क्लास लेके आने की कोशिश करूंगा। देखते क्या होता है, कैसा है हाल चाल, है कि नहीं। तो चलो डाइजेशन का शुरू करते हैं, ठीक है। चलो देखो, बात है कि डाइजेशन, हमारे बॉडी में जो डाइजेशन है ना, डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ, डाइजेशन शुरू होता है माउथ से, स्टार्ट्स इन द माउथ, डाइजेशन माउथ में शुरू होता है, ठीक है, और इंटेस्टाइन में जाके खत्म होता है, एंड इज कंप्लीटेड इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो डाइजेशन शुरू होता है माउथ में, खत्म होता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। चलो, डाइजेशन के जो प्रोसीजियर्स है वो प्रीडोमिनेंटली, जो डाइजेशन के प्रोसेस है उसका पहला प्रोसेस, द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज मास्टिकेशन, ठीक है। जो पहला प्रोसेस है डाइजेशन का वो चबाना होता है, ठीक है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ माउथ, टंग एंड सलाइवा, ठीक है। तो माउथ, टंग, टीथ एंड सलाइवा बेसिकली, तो क्या होता है ना, अगर जिसमें टीथ नहीं लगता उसके लिए उसे टीथ नहीं लिखा, फॉर एग्जाम्पल सैलिलेक कोई खा रहा है उसमें दांत जरूरी नहीं है, ठीक
ठीक है, इसलिए टीप नहीं लिखा हुआ है। फिर बोलोगे सर मास्टिकेट कर रहा है मगर यहाँ पे टीथ नहीं है। भाई बच्चे जो बच्चे होते हैं ना एकदम छोटे 6 महीने वाले, वो उसके दांत का 3 महीने 2 महीने वाले दांत नहीं होते, सेरेलेक वगैरह खाते हैं या पेस्ट वाले चावल चावल पेस्ट करके जब खाते हैं तो उनमें जो दांत नहीं चाहिए होता। तो बेसिकली मगर हम लोगों को टंग चाहिए होता है, मुंह तो चाहिए ही होता है, सलाइवा चाहिए होता है। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन इज व्हाट, मास्टिकेशन, चबाना, ठीक है, लुब्रिकेट करना, खाने को मिलाना, सलाइवा के साथ मिलाना, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन। द सेकेंड स्टेप ऑफ डाइजेशन होगा लुब्रिकेशन, द सेकेंड स्टेप ऑफ डाइजेशन इज लुब्रिकेशन। अंडर दिस प्रोसेस the masticated food is converted into bolus with the help of salivary enzymes. जब आपका food saliva में रहने वाले जो enzymes होते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। saliva में, यहीं पे बता देता हूं, saliva में हमारे पास दो चीजें हैं, एक है लाइजोजाइम। खाने में अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, जो कि हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, ठीक है, तो उस बैक्टीरिया को, उन बैक्टीरिया को या उन कंटामिनेटेड चीजों को, देखो हम लोग रास्ते में खाना खाते हैं, स्ट्रीट साइड फूड्स खाते हैं, हम लोग रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, घर जैसा फ्रेश खाना हर जगह में बनेगा भी नहीं, कॉमन सेंस की बात है। तो अगर वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, परफेक्ट टू बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हम लोग आंखों से नहीं देख पाते, वो फूड स्टफ में होता है, रह जाता है, उड़ के आ जाता है, पानी में, पानी के थ्रू आ जाता है। तो अगर सब कुछ हमारे बॉडी को अफेक्ट करने लग जाएगा तब तो हम लोग तो मर ही जाएगा तब तक, है कि नहीं। पेट खराब होता तो हर रोज होता रहेगा। तो हमारे बॉडी में जो सलाइवा है, सलाइवा में एक चीज होता है, उसको बोलते हैं लाइजोजाइम। उसके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, इसके जो प्रॉपर्टीज है वो है एंटीबैक्टीरियल। इसके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, मतलब खाने में अगर कोई बैक्टीरिया जैसा चीज आ गया तो उसको मारने का क्षमता रखता है लाइसोसाइन। ये एंजाइम नहीं है, ये सलाइवा में प्रेजेंट होता है, एक टाइप ऑफ सब्सटेंस जो कि बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। ये लाइसोसाइम खाना डाइजेशन में कोई रोल नहीं करता, बस ये सलाइवा में प्रेजेंट है, इसलिए ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। नेक्स्ट, सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज। क्या एमाइलेज? सलाइवरी एमाइलेज। ये एंजाइम है, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है फैट्स, फिर होता है प्रोटीन्स। इनको डाइजेस्ट करना पड़ता है। प्री डाइजेस्टेड जो सिर्फ एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी हो जाता है वो है विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को पहले वो वाला जगह पढ़ा देता हूं, सो दैट आप लोगों को आसानी हो। रुको, देखो बच्चा, मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूं ना जिनको शायद कुछ भी ना आता हो, सही में बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग है ना, बहुत सारे हमारे साथ भाई बंधु है, बहुत सारे लोग है हमारे साथ जिनको शायद ही सब कुछ आता हो। सिंपल सी बात है, सबको सब कुछ नहीं भी आ सकता है ना। तो जिनको आता है वेरी गुड, जिनको नहीं आता है कोई डरने वाली बात नहीं, मैं एकदम बेसिक से कराऊंगा, सो दैट आप एग्जाम में जाके वो डर पैदा ना हो, वो डर ना रहे मन में कि नहीं आता कैसे करें, वो नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि हम लोग जो खाना खाते हैं, द फूड वी टेक, द फूड वी टेक, इसमें 6 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। कितने कॉम्पोनेंट्स होते हैं? 6 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। इसको हम लोग तीन तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। लेट अस डिवाइडेड इनटू 3 कॉम्पोनेंट्स।
इधर तीन और उधर तीन, ठीक है। यहां पे हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हम लोगों को चावल रोटी वगैरह से मिल जाता है, ठीक है। ये कहां से मिलता है हमें, एग्जाम्पल ले लो राइस, है तो सभी में, हर किसी में कोई ना कोई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता ही है। आप बंद गोभी की भी खा लो, आप सोचो आलू छोड़ दो, बंद गोभी खा लो, दाल खा लो, कुछ भी खा लो, कितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स खा लो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। बिना कार्बोहाइड्रेट्स का प्लांट प्रोडक्ट तो बन ही नहीं सकता, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि प्लांट जो अपना एक्सेस फूड मटेरियल है वो उसको अब स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल। प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, ये आपको पता है, ठीक है। चलो ये भी लगे हाथ बता देता हूं, प्लांट क्या करता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। ये प्लांट जब पढ़ाऊंगा तब फोटोसिंथेसिस डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, अभी अभी यहां पे नहीं कराऊंगा, अभी ह्यूमन डाइजेशन करा रहा हूं। प्लांट फोटोसिंथेसिस करा रहा है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्लांट अपना खुद का खाना बना रहा है, मेकिंग ओन फूड। अब कभी कभार ऐसा भी तो होता है ना, खाना ज्यादा भी तो बन जाता है, हमारे घर पे भी होता है, खाना ज्यादा बन जाता है। खाना हमेशा उसी अमाउंट का बनेगा वो तो गारंटी नहीं है, कभी कभार उसी अमाउंट का बनता है, कभी ज्यादा बन जाता है, कभी कम बन जाता है, ऐसा तो होता है। खाने में भी तो हम लोग वैसे ही करते हैं, कभी हम लोग ज्यादा खा लेते हैं, कभी कम खा लेते हैं, वैसे ही तो चलता है जिंदगी में। तो फोटोसिंथेसिस है कि प्लांट अपना खाना बनाता है। अब प्लांट जो अपना खाना बना रहा है, ये खाना अगर ज्यादा बन गया, एक्सेस फूड इज स्टोर्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। जो एक्सेस खाना है उसको स्टार्च के फॉर्म में रखता है। स्टार्च एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो आप कुछ भी खाना खाओ, आप कुछ भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाओ, आप कुछ भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खा जाओ, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, आप कुछ भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाओ, आपको कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा ही, क्योंकि यही स्टार्च है जो कि अगर फल होता है, नहीं तो फूल होता है, नहीं तो उसका कोई प्रोडक्ट होता है, ये यही तो है। एक्सेस जो वो खुद यूज नहीं कर पाता उसको स्टोर करता है, उसी को हम लोग निकाल के गेहूं चावल या सब्जी हो ऐसे, उसी को तो हम लोग खाते हैं बैठ बैठ के। तो बाय डिफॉल्ट आपको तो स्टार्च मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ही। आप कुछ भी खाओ, आलू, और लोग सोचते हैं कि आलू खाने से शुगर कम हो, नहीं खाने से शुगर कम हो जाएगा। अब आलू नहीं खाने से शुगर कम हो जाएगा, बेसिकली ब्लड शुगर क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना, ग्लूकोज भी एक टाइप ऑफ स्टार्च है। अभी डाइजेशन में आपको पता चलेगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो बढ़ जाता है वो कैसे बढ़ जाता है, ब्लड और ग्लूकोज लेवल, उसको हम लोग बोलते हैं शुगर बढ़ जाना, तो मगर एक्चुअली क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो, है कि नहीं, वो तो है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल ये तो ये चीज है, ये तो ब्लड ग्लूकोज लेवल का बात कर रहा है, जिसे को हम लोग लेमेंस टर्म में क्या बोलते हैं, मेरे बॉडी में शुगर बढ़ गया, ये लेमेंस टर्म है, लेमेंस टर्म, टेक्निकल टर्म है नहीं, है कि नहीं। तो ब्लड इसको तो और भी बोलते हैं, तो मेडिकल वाला टर्म में नहीं जाता, हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसको तोड़ उसके इसके चीज से ग्लूकोज को तोड़ने को ग्लूकोनियोजेनेसिस करते, वो छोड़ दो, उसमें जाते ही नहीं अभी। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने को बोलते हैं शुगर बढ़ गया बॉडी में। बात क्या है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाना। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो है ना, कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट्स एक होता है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का मतलब होता है सिंगल शुगर यूनिट्स,
ये जो सैकराइड है ना, ये जो वर्ड सैकराइड है, सैकराइड का मतलब होता है शुगर यूनिट, ठीक है, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल शुगर यूनिट, ठीक है। फिर आता है डाइसैकराइड, फिर आता है ओलिगोसैकराइड, फिर आता है पॉलीसैकराइड, ऐसे करके आते हैं। डाइसैकराइड मतलब दो शुगर यूनिट होगा, ओलिगोसैकराइड तीन से ज्यादा होगा, दस दस तक हो जाएगा, दस से ज्यादा होगा पॉलीसैकराइड, ऐसे करके जाता है। हमारे बॉडी को ना सिर्फ मोनोसैकराइड ही पता है। आवर बॉडी अंडरस्टैंड्स, आवर बॉडी अंडरस्टैंड्स ओनली मोनोसैकराइड। हमारे बॉडी और कोई चीज को नहीं समझता, हमारा बॉडी सिर्फ मोनोसैकराइड को ही पहचानता है। वो पॉलीसैकराइड जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ओलिगोसैकराइड इवन की छोटा कार्बोहाइड्रेट डाइसैकराइड को भी वो नहीं पहचानता। इन द मीन मतलब उसका मतलब है कि वो कुछ भी मिले वो तोड़ तार के इसको मोनोसैकराइड तक ले जाएगा, ठीक है। वो कुछ भी करे तोड़ेगा, तोड़ तोड़ के वो मोनोसैकराइड तक ले जाएगा। मोनोसैकराइड जो है, ठीक है, वो मोनोसैकराइड जो है, ये मोनोसैकराइड ग्लूकोज एक मोनोसैकराइड है, गैलेक्टोज एक मोनोसैकराइड है, फ्रक्टोज एक मोनोसैकराइड है, समझ गए। तो इन सब तक वो तोड़ तोड़ के लेके जाने की कोशिश करेगा। राइबोज एक मोनोसैकराइड है, राइबोज जो डीएनए में रहता है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो राइबो शुगर है ये राइबोज, ठीक है। तो फ्रक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज राइबोज ये सारे क्या हैं, ये है मोनोसैकराइड्स, ठीक है, समझ गए। मैं फिर से बता देता हूं क्या होता है। हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एक्चुअली डिवाइडेड है मोनोसैकराइड्स में, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, मैं लिख नहीं रहा हूं फिर से, फिर ओलिगोसैकराइड्स और फिर पॉलीसैकराइड्स। ये सैकराइड वाला स्पेलिंग ये रहा, ठीक है। अब देखो मोनोसैकराइड, मोनो मतलब सिंगल वन, ठीक है, सैकराइड मतलब शुगर यूनिट, शुगर यूनिट। तो मोनोसैकराइड का मतलब हो गया सिंगल शुगर यूनिट। अब इसके एग्जांपल्स है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये इसके एग्जांपल्स है। डाइसैकराइड, डाई मतलब टू, सैकराइड मतलब फिर से शुगर यूनिट, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स हो गए लैक्टोज जो कि दूध में पाया जाता है, माल्टोज एक्सेट्रा, इसके और बहुत सारे एग्जांपल, इसमें नहीं जानना, नहीं ये चाहिए हमें। तो अब बॉडी क्या करेगा, बॉडी जब खाना खाता है ना वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में खाना खाता है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में खाते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है वो। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में जो हम लोग खाते हैं पॉलीसैकराइड, बॉडी उसको तोड़ते के ओलिगो बनाएगा, ओलिगो से वो डाई बनाएगा और अल्टीमेटली डाइसैकराइड से वो मोनोसैकराइड बनाएगा। क्योंकि बॉडी को डाइजेशन कर एब्जॉर्प्शन करने के लिए ये ही चाहिए, एब्जॉर्प्शन करने के लिए उसको मोनोसैकराइड ही चाहिए, वो बाकी किसी चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, समझ गए हो, वो बाकी किसी चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अगर आप ज्यादा ग्लूकोज खा लेते हो और बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और यह ब्लड में घूमता रहता है, अगर आप ज्यादा ग्लूकोज खाते हो जिस चीज में ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा है, ऐसे भी तो हो सकता है किसी चीज में ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा हो मगर उसमें वो चीज आप कम खा रहे हो। ऑन दी अदर हैंड किसी चीज में ग्लूकोज का मात्रा कम हो, बहुत ही कम हो, मगर उसको आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, तो अल्टीमेटली तो नंबर तो इक्वली हो जाएगा ना बन के, कि एक चीज है
ग्लूकोज का मात्रा बहुत ज्यादा है, उसको आप एक ही खा रहे हो, एग्जाम्पल चॉकलेट। ऑन दी अदर हैंड देखा जाए तो गेहूं में ग्लूकोज, गेहूं छोड़ो और दाल, दाल में ग्लूकोज का मात्रा कम होता है, तो आप दाल पी रहे हो, मीन्स चावल दाल, दाल ज्यादा खा रहे हो, तो आप इतना दाल खा गए कि वो उसके चॉकलेट के बराबर का हो जाता है, वो समझ रहे हो। तो ग्लूकोज का मात्रा किसमें कम होना और उसको ज्यादा खा लेना, इसका मतलब नहीं है कि तुम अब शुगर कंट्रोल कर रहे हो। तो ये जो ग्लूकोज है ये बढ़ जाने को बोलते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। आया समझ में? क्लियर है ये बात? तो अभी क्या होता है कि कोई भी खाना हम लोग खाएंगे, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होगा तो उसमें ग्लूकोज तो होना ही है, क्योंकि प्लांट अपने बॉडी में उसका जो एक्सेस फूड मटेरियल है उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, बॉडी उसको तोड़ तोड़ के ग्लूकोज तक लेके आ जाएगा, है कि नहीं? ग्लूकोज गैलेक्टोज वहां तक लेके आ जाएगा, फ्रक्टोज राइबोज उस चार में से किसी तक लेके आ जाएगा, वो चारों का ही एक ही काम होता है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा ही देता है। तो ये जो फूड है हमारे तीन कॉम्पोनेंट्स में बटा हुआ है, एक तो कार्बोहाइड्रेट हमें समझ में आ गया, जो नंबर टू है वो है प्रोटीन्स, और नंबर थ्री जो है ये है फैट्स। इन तीनों को पहले तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद ही एब्जॉर्प्शन में जाएगा। एब्जॉर्ब होना मतलब तुम्हारे शरीर में ये जो खाना है ना वो काम पे लगना, ये चीजें तुम्हारे शरीर में काम पे लगना और ये चीजों से तुमको फायदा होना, समझ रहे हो? तो डाइजेस्ट होने के बाद ही एब्जॉर्ब होगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट। अब डाइजेशन क्या है? डाइजेशन का सिंपल डेफिनेशन है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू सिंपलर वंस। बस स्ट्रेट अवे मीनिंग ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू सिंपलर वंस, ठीक है? कि जो जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स है ना, जितने भी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उसके जो बेसिक यूनिट्स है, जैसे प्रोटीन का बेसिक यूनिट होता है एमिनो एसिड, तो उसको प्रोटीन को तोड़ तोड़ के एमिनो एसिड तक लेके आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को वो बेसिक यूनिट तक लाता है, बेसिक यूनिट पे लाके वो खुद उसको एब्जॉर्ब, तब बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, उससे पहले एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। आया सिस्टम समझ में? अब ये जो चीजें हैं, ये जो पूरा चीज है डाइजेशन का, ये तीन कॉम्पोनेंट्स होता है, पहले डाइजेस्ट मतलब इसको पहले तोड़ा जाता है, किसके सहायता से तोड़ा जाता है? ये जो ब्रेक डाउन होता है ये तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, इसको तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, समझ में आ गया? अब बाकी तीन कॉम्पोनेंट रह गया, उसमें है विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, ये विटामिन्स और मिनरल्स प्री डाइजेस्टेड है, इसको बस एब्जॉर्प्शन की जरूरत है, ये डाइजेशन में नहीं जाते, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर बॉडी रेगुलेशन में हेल्प करता है, वो एब्जॉर्ब भी होता है, ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है, तो इसलिए खाने में पानी जाता है। तो हमारे पास छह कंपोनेंट ऑफ फूड आ गए, हमें यह पता चल गया कि छह कंपोनेंट ऑफ फूड में तीन को डाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि उसको तोड़ तोड़ के सिंपलर यूनिट्स में लाना है और बॉडी उसी सिंपलर यूनिट्स को एक्सेप्ट कर पाएगा, और तीन कंपोनेंट्स जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड होते हैं और इनको एब्जॉर्ब नहीं करना हो, मतलब डाइजेस्ट नहीं करना होता है, ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी समझ में आ गया? ठीक है, तो अब बात है कि जो मैंने वहां पे हमने समझा था, वहां पे मैं आपको बता रहा था कि जब डाइजेशन शुरू होता है माउथ में,
ठीक है। अब माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज, और लाइजोजाइम। ठीक है, ये जो सलाइवरी एमाइलेज है, ये सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट जो है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो हम लोग ने खाया है अभी, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ना शुरू करता है, ब्रेक्स डाउन। कंप्लीटली नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट किया है उसने, स्टार्ट्स। और लाइजोजाइम ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है इसका। अगर खाने में कोई भी चीज आ गया जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, ये उसको मारेगा। ठीक है, तो सलाइवा के दो कंपोनेंट्स है, एक है सलाइवरी एमाइलेज और एक है लाइजोजाइम, जो कि है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? अब ये जो लाइजोजाइम, जिसका एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, और ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, अब एमाइलेज, ये याद रखना, जहां पे भी ना आप एमाइलेज शब्द देखोगे, इसको हमेशा याद रख लेना, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए ही यूज होता है, ये क्लास ऑफ एंजाइम्स है। एमाइलेज जो शब्द है, एमाइलेज एक क्लास ऑफ एंजाइम है जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़ सकता है। देखो, हर ताले के लिए एक चाबी बना होता है, सिंपल एज दैट। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका भी एक चाबी है, और वो चाबी एमाइलेज ही है। जैसा जैसा कार्बोहाइड्रेट वैसा वैसा एमाइलेज। ठीक है, इसको इसी को ही बोलते हैं एंजाइम के लिए लॉक एन की हाइपोथेसिस। जो एंजाइम लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ठीक है, ये लॉक एन की हाइपोथेसिस जो है, इसका मतलब होता है जो सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब जिसको वो तोड़ेगा, जो सबस्ट्रेट है, जैसे यहां पे कार्बोहाइड्रेट है, उसको तोड़ने के लिए एमाइलेज वाले ही आने पड़ेंगे, बाकी क्लास वाले आएंगे तो वो नहीं टूटेगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो एमाइलेज जो क्लास है, एमाइलेज क्लास सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और किसी को नहीं तोड़ता, याद रखना। अब सलाइवा में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, याद रखना, सलाइवा में प्रोटीन या फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता। ये नहीं होता। तो सलाइवा में क्या प्रेजेंट, माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा, सलाइवा में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम ही प्रेजेंट होता है, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़ना शुरू करता है, प्रोटीन या फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता। तो हमें क्या पता चला कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो है वो माउथ में शुरू हो रहा है, प्रोटीन और फैट डाइजेशन माउथ में नहीं शुरू होता। जरूर से ये चीजें याद रखना, प्रोटीन एंड फैट, बेसिक फैट तो डाइजेस्ट भी नहीं होता, फैट इमल्सिफाई होता है, एंड फैट डाइजेशन डज नॉट स्टार्ट इन माउथ, याद रखना ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है बात? तो ये दो चीजें याद रखना है हमें, क्लियर। तो अभी हमने खाना खाया, खाने में सोचो रोटी, दाल जिसे हम लोग प्रोटीन सोर्स, सोयाबीन, जो नॉन वेज है उन लोग के लिए नॉन वेज रख लो, जो वेजिटेरियन है, कि यहाँ पे मैं अगर बोल दूंगा थाली में चिकन रख दो, वो लोग बोलेंगे सर हम लोग वेजिटेरियन है, फिर कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए भाई। दाल है, रोटी है, रोटी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, दाल से थोड़ा सा प्रोटीन मिल जाएगा,
बाकी सब्जी है, बंद गोभी वगैरह, वहां से मिनरल्स वगैरह मिल जाएंगे, विटामिन्स मिल जाएंगे, और सोयाबीन है या पनीर है, चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पनीर में प्रोटीन हो जाता है। तो अगर हम लोग ने दाल, पनीर, रोटी और एक सब्जी, बंद गोभी की सब्जी खाई, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है सिर्फ वही डाइजेस्ट होना शुरू हुआ। इसका मतलब है पनीर का जो प्रोटीन पार्ट है वो अभी तक डाइजेस्ट शुरू होना शुरू नहीं हुआ है। समझ में आ गया? माउथ में अभी खाना है। ये जो खाना ना, ये जो फूड हमने अभी खाया है, वो जब सलाइवा के साथ मिल जाता है, और हमें पता है सलाइवा में क्या क्या होता है, सलाइवा में लाइजोजाइम होता है और सलाइवरी एमाइलेज होता है। तो जब ये सलाइवा के साथ मिल जाता है फूड, तो उसको बोलते हैं बोलस। ठीक है? जब फूड सलाइवा के साथ मिल जाता है, इसको हम लोग जब निगल जाते हैं, स्टोमक तक पहुंच जाएगा, तो वहां तक पहुंचने पे उसको बोलते हैं बोलस। ये चीज याद रखना, फूड प्लस सलाइवा प्लस एंजाइम्स इज कॉल्ड एज बोलस। समझ में आ गया? बहुत सारा कुछ आपको यहीं पे बता दिया, एक बार देख लो क्या क्या बताया है मैंने आपको यहाँ पे। फूड के कंपोनेंट्स मैंने बता दिए, किन किन को डाइजेस्ट करना पड़ता है, डाइजेशन का मतलब क्या है, तोड़ना कॉम्प्लेक्स को बेसिक यूनिट में, क्योंकि हम लोगों को बॉडी को सिर्फ बेसिक यूनिट पता है, कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं पता होता है। कुछ चीजें है तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है, उसको तोड़ना नहीं पड़ता। फिर मैंने आपको बताया कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो खाना बनाता है, उसका एक्सेस फूड स्टार्च में स्टोर होता है, स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट होता है, और हम लोग कोई भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा ही रहे हैं। और उसके बाद मैंने बताया आप लोग को कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना, मतलब वैसे कोई चीजें खा जाना जहां पे ग्लूकोज मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब सिर्फ मिठाई नहीं है, वो कुछ भी आप खाओ जिसमें ग्लूकोज ज्यादा होगा वो ऑटोमेटिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा। तो सिंपल सी बात है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर कंट्रोल करना है तो खाने में कंट्रोल करना पड़ेगा, और ग्लूकोज को बर्न आउट करना पड़ेगा, जो भी ग्लूकोज बॉडी में है उसको बर्न आउट करना पड़ेगा। कैसे बर्न आउट होगा, कैसे क्या होगा, वो रेस्पिरेशन में हम लोग जरूर से आगे देखेंगे। ठीक है? तो ये है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, कोई भी ग्लूकोज वाली चीजें खाओगे जिसमें ग्लूकोज ज्यादा है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना लाजमी है, और वो बढ़ेगा ही, गारंटीड है। ठीक है? तो बस मोनोसेकाइड, बॉडी कुछ भी तोड़ता के मोनोसेकाइड में लेके आ जाएगा। कितने मोनोसेकाइड है, फ्रक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज राइबोज, उसको मैंने अगले चार्ट में भी आपको बता के दिया है कि सेकाइड मतलब शुगर यूनिट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट से डिवाइडेड होते हैं, और बॉडी कुछ भी करता है सबको तोड़ता के इस चार में से किसी एक में लेके आ जाता है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करना होता है हमेशा, इसका काम ही होता है इसको तोड़े और तोड़ के उसको एब्जॉर्ब करना इसका काम है, और उसका दिमाग हमेशा इसमें लगा रहता है कि तोड़ो, हर किसी को तोड़ो और इसमें लेके आ जाओ। और ये जो तोड़ने का प्रोसीजर है वो पहला ही कार्बोहाइड्रेट के लिए शुरू होता है सलाइवा में, माउथ में होता है सलाइवा, सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज और लाइजोजाइम। सलाइवरी एमाइलेज, एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए ही बना हुआ है, सलाइवरी एमाइलेज जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं उसको तोड़ने की शुरुआत करता है, फैट और प्रोटीन डाइजेशन मुंह में शुरू नहीं होता है। लाइजोजाइम एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, जो खाने में अगर कोई माइक्रोब्स आ गया, बैक्टीरिया वगैरह कुछ आ गया कि जो हमारे बॉडी को नुकसान कर सकता है, तो इसको वो तोड़ मतलब उसको मारने की क्षमता रखता है। सब मार देता है नहीं, कुछ उसे मिस भी हो जाता है, वो आयरन डोम जैसा इसराइल वाला। अब ईरान ने इसराइल पे अटैक कर दिया, अब सिस्टम तो बात वो भी है, ये भी तो बोलूंगा करंट अफेयर्स है कि नहीं, ईरान ने इसराइल पे अटैक कर दिया, अब कोई करंट अफेयर्स फॉलो कर रहा है तो जाके देखो है कि नहीं कि ईरान ने इसराइल पे अटैक कर दिया। अब ईरान ने इसराइल पे क्यों अटैक किया, क्या उनका मसला है, क्या प्रॉब्लम है उनको एक दूसरे से, वो भी थोड़ा बैकड्रॉप जानो, वो भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पढ़ो थोड़ा, है कि नहीं। नेक्स्ट, प्रोटीन एंड फैट डाइजेशन डज नॉट स्टार्ट इन माउथ, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट शुरू होता है, डाइजेशन ऑफ ओनली कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस इन माउथ, और ये है। और फूड अगर सलाइवा और एंजाइम्स और बकेरा एक्सेल वगैरह से मिक्स हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बोलस। समझ में आ गया? ये है इसका बैकड्रॉप। अभी चलते हैं हम लोग हमारे काम पे। ये हो गया। अब देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हमारे बॉडी में बहुत तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसमें से
एक है एमाइलेज एंजाइम के ग्रुप, ये सिर्फ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़ेगा, ये सिर्फ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा और किसी को नहीं तोड़ पाता, ये सिर्फ इन दोनों को तोड़ने के लिए ही बना हुआ है, समझ गए। तो एमाइलेज हो गया पहला टाइप ऑफ एंजाइम। सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइम का नाम है प्रोटीएज, यह है सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइम, यह प्रोटीन को तोड़ने के लिए बना होता है और प्रोटीन को तोड़ तार के वो एमाइनो एसिड ही बनाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द मोनोमार, व्हाट इज द मोनोमार ऑफ प्रोटीन, मोनोमार मतलब इसका बेसिक यूनिट, मोनोमार का मतलब होता है बेसिक यूनिट जिससे प्रोटीन बना होता है, व्हाट इज द मोनोमार ऑफ प्रोटीन, इसका आंसर होगा एमाइनो एसिड्स। व्हाट इज द मोनोमार ऑफ प्रोटीन, उसका आंसर होगा एमाइनो एसिड। उससे पहले मोनोमार ऑफ कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, तो जो मोनोसेकेराइड वाले चार नाम लिखा के दिए ना, ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज राइबोज, वो चार हो जाएंगे मोनोमार ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसी से ही बाकी सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बने होते, उसी के ही चेन जुड़ते रहते हैं आपस में। एमाइनो एमाइनो एसिड, बहुत सारे एमाइनो एसिड जुड़ जाएंगे एक साथ, आपको प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। फिर आता है, तो एमाइलेज हो गया स्टार्च के लिए या कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीएज हो गया प्रोटीन डाइजेशन के लिए, और लाइपेज हो गया, ये जो लाइपेज है ये एंजाइम है लिपिड्स को तोड़ने के लिए, ठीक है। लिपिड्स मतलब तेल, ठीक है, वो तेल को तोड़ के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देगा। तो अगर हमें पूछा जाए कि फैट्स या लिपिड्स के मोनोमार क्या है या बेसिक यूनिट क्या है, तो हम लोगों को आंसर करना पड़ेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। याद रखना कि मोनोमार ऑफ फैट्स या लिपिड्स है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अभी आपको समझ में आ गया कि आप जो भी कार्बोहाइड्रेट खाओगे उसको एमाइलेज एंजाइम, हर जगह का एमाइलेज एंजाइम है, स्टमक का अपना होगा, इंटेस्टाइन का अपना होगा, पेनक्रियास अपना देगा, तो इसको लेके वो तोड़ेगा, तोड़ के ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज राइबोज में बना देगा। प्रोटीन को तोड़ के उसको एमाइनो एसिड बनाना होता है, लाइपेज से प्रोटीएज से प्रोटीन को तोड़ के एमाइनो एसिड बनाना होता है, लाइपेज से फैट्स को तोड़ के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाना होता है। इतना बना के वो बॉडी को दे देगा, बॉडी उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये हो गया क्लासेस ऑफ एंजाइम। तो हमारे पास थ्री क्लासेस ऑफ एंजाइम्स है। क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ मेनी क्लासेस ऑफ एंजाइम्स आर देयर, नेक्स्ट पूछ सकते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास ऑफ एंजाइम, ये तीनों नाम देके कोई और भी दे देगा, तो आप लोग ध्यान से रखना, ये यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है। फिर अच्छा, अभी अगर बॉडी में न्यूक्लिक एसिड है तो चार तरीके का बन जाएगा, चलो कोई भी, अगर हम लोग क्योंकि ये नॉर्मली प्रोटीन कंटेंट रिच कंटेंट न्यूक्लिक एसिड कंटेंट चीजें होते हैं, आरएनए डीएनए, अगर कोई सब्सटेंस में ऑब्वियस हर किसी का आरएनए डीएनए होता है, हर एक सब्सटेंस का ही होता है, तो उस को तोड़ने के लिए न्यूक्लियस एंजाइम आता है जो कि न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं चार तरीके का ही होता है, फोर। तो क्लासेस ऑफ एंजाइम, एंजाइम से डिवाइडेड इनटू फोर क्लासेस, थ्री नहीं फोर क्लासेस है। स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए होता है एमाइलेज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने होता है प्रोटीएज, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए होता है लाइपेज, और न्यूक्लिक एसिड जो कि आरएनए डीएनए होता है खाने में, उनको न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए उसका बेसिक मोनोमर यूनिट, उसके लिए होता है द एंजाइम है न्यूक्लिएज, उस एंजाइम का नाम है न्यूक्लिएज। तो हमारे पास फोर कैटेगरीज। हमारे पास फोर कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स है, हमारे पास फोर कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स है, और किस किस का एंजाइम किस किस का काम है, क्या काम है, मैंने आप लोगों को यहां पे बता के रखा है, ठीक है। अभी आगे जाते हैं, आगे जाके देखते हैं जो माउथ में डाइजेशन शुरू होता है सलाइवा के साथ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, उसका क्या हिसाब किताब है। माउथ देयर आर लाइपेज एंजाइम, माउथ में होता है मगर इसका काम कुछ नहीं होता, ये कुछ कर नहीं सकता, उतना ज्यादा लिपिड्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज मैंने आपको बोला है, वो
डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हेल्प करता है, प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू स्मॉलर चेन्स और इवन सिंपल सुगर्स, इट समटाइम्स इज कॉल्ड एज टायलीन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सलाइवरी एमाइलेज जो है, सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम टायलीन भी है। सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम टायलीन भी है, याद रखना, नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट है। व्हिच एंजाइम इज आल्सो नोन एज टायलीन? सलाइवरी एमाइलेज इज आल्सो नोन एज टायलीन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है। लाइजोजाइम्स मैंने बोला है सलाइवा में प्रेजेंट होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, बैक्टीरिया वायरसेस खाने में जाता है तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम लोगों का खाना कहाँ गया? मुंह से स्टमक में चला गया। अब स्टमक में जब खाना जाता है तो स्टमक में द मेन गैस्ट्रिक एंजाइम प्रेजेंट इन द स्टमक इज पेप्सिन, रिमेंबर दैट। What is the main? Which is the main gastric enzyme? Which is the main gastric enzyme present in stomach? And then the answer is pepsin. अब ये pepsin जो है, ये activated नहीं रहता, ये inactive state में रहता है। It is not activated. ये खाना जाने के बाद active होता है। Pepsinogen के form में रहता है और इसको HCl convert कर देता है pepsin में। ठीक है? मैं आपको यहां पे पढ़ा देता हूं, फिर एक्सपोर्ट करूंगा, मतलब बाहर जाके कंप्लीट पेज में मैं आपको फिर से ये पूरा चिट्ठा समझा दूंगा। एक बार आप लोग पढ़ के चले जाओ सो दैट आपको पढ़ने में आसानी हो कि मैंने कहां पे क्या लिख दिया। इसका काम क्या होता है, पेप्सिन का काम क्या होता है, इंटू स्मॉलर पार्टिकल नोन एज पेप्टाइड्स और एमाइनो एसिड। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन डाइजेशन ऑकर्स इन द स्टमक, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था ना कि मुंह में शुरू नहीं होता, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन द स्टमक, where a digestion of carbohydrate starts in the mouth. Very, very important line. Very, very important. Very, very important. Question दे देगा, digestion of carbohydrate starts in mouth, या digestion of protein starts in mouth, stomach, intestine, और कुछ दे देगा वो। बात यह है कि हम लोग आंसर को टिक करना है stomach, protein digestion का, हमेशा याद रखना। इसलिए ये questions easy, दिखती इजी है, नहीं पढ़ के जाओगे तो गलत हो जाएगा। बोलोगे अच्छा डाइजेशन तो माउथ में शुरू होता है, प्रोटीन को भी माउथ कर दो, नहीं, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में शुरू होता है। मैंने बाहर भी पहले बोल के आया हूं कि प्रोटीन डाइजेशन मुंह में नहीं शुरू होता, उसका पहला शुरुआत स्टमक से ही होता है। ओके, चलो नेक्स्ट है एसिडिक लाइपेज। लाइपेज जो हम लोगों के स्टमक में होता है, जो फैट्स को तोड़ना शुरू करता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, द ऑप्टिमम पीएच ऑफ द स्टमक शुड ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज शुड लाइट बिटवीन 3 और 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं कहीं ना कहीं पे। ठीक है, अच्छा, ये जो ये एसिडिक लाइपेज है सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक चीफ सेल्स इन द फंडिक रीजन ऑफ म्यूकोसा। वो स्टमक के रीजन होते हैं, पाइलोरिक रीजन, फंडिक रीजन, तो वो उस पर हम लोग को नीचे उतना नहीं पूछते ये लोग। बात यह है कि जो गैस्ट्रिक लाइपेज है उसका ऑप्टिमम पीएच 3 से 6 होना चाहिए अगर फैट को तोड़ना है। अगर इससे ज्यादा हो गया, इससे कम हो गया, ना वो फैट को तोड़ पाएगा ना वो किसी काम का रहेगा। ठीक है, डाइजेशन ऑफ डाइटरी एचसीएल का काम क्या है, डीनेचर द इंजेस्टेड प्रोटीन एंड किल एनी बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा चलो अभी हम लोग बाहर चलते हैं, फिर आके ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं बाहर दिखा देता हूं, देखो अभी माउथ में तो हो गया, अब माउथ से खाना पहुंचा स्टमक में। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मिनिमम है या ना के बराबर है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन स्टमक इज नेक्स्ट टू
नेग्लिजिबल। ठीक है, सेकंड, जब खाना स्टमक में जाता है, उस खाने में जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन, जो कि फर्स्ट स्टेप में प्रोटीन को तोड़ेगा इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीओज। ठीक है, प्रोटीन जो है उसको पेप्सिन एंजाइम तोड़ेगा, तो क्वेश्चन आएगा कि पेप्सिन जो एंजाइम है वो किस फूड कंपोनेंट को तोड़ने के लिए बना हुआ है। तो पेप्सिन जो है, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ता है, तोड़ के प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटीओज बना देता है। क्या यहां पे प्रोटीन डाइजेशन खत्म है? आप खुद से पूछो, सर ने क्या बताया कि बॉडी इसको लेके कहां तक जाएगा, बॉडी इसको लेके अमाइनो एसिड तक ले जाएगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज गैलेक्टोज तक ले जाएगा, जब तक वहां तक नहीं पहुंचेगा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फैट्स को कहा फैटी एसिड ग्लिसरॉल तक ले जाएगा, जब तक ये काम नहीं होता तब तक डाइजेशन कंप्लीट नहीं है। तो अब ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन ऐसे नहीं पड़ा रहता, एक्टिव नहीं रहता, जब भी खाना स्टोमक में पहुंचता है, when food reaches the stomach, ठीक है, वहां पे HCl, वहां पे पेप्सिन बैठा रहता है इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजेन, पेप्सिन वहां पे पेप्सिनोजेन के रूप में बैठा रहता है, यह है इनएक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव नहीं है अभी, यह है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। तो पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में बैठा है, पेप्सिनोजेन को अभी HCl इसके ऊपर अटैक करेगा, करके बना देगा पेप्सिन, ये पेप्सिन जाएगा प्रोटीन के पास, इसको तोड़ेगा, बना देगा पेप्टोन्स एंड प्रोटीओस, ये काम चल रहा है स्टोमक में। ठीक है, चलो एक कमेंट है देखते हैं। हाँ, वो टेंशन नहीं होता, ऐप में रह ही जाएगा। अनिशा, 19th के इलेक्शंस है, तो 19th के क्लासेस मतलब गुवाहाटी में तो नहीं है, मैं तो मतलब या 19th, हाँ 19th को मेरे क्लासेस नहीं है, क्योंकि 19th को एक सेमिनार है कोई एक गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मुझे बुलाया गया है वहां पे, तो आई विल बी देयर टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स आउट देयर, सो आई वोंट बी अवेलेबल ऑन 19th। So, 19th को ऐसे ही क्लास नहीं हो रहा, तो एंजॉय, कोई टेंशन की बात नहीं, सुभजीत सर के क्लासेस नहीं आ रहे, एटलीस्ट वो है। ठीक है, अभी देख रहे हो बेटा, आई सपोज समझ में तो आ रहा है होगा, है कि नहीं? तो अभी हम लोग कहां पे है, कौन सी स्थिति में है, जो अभी का स्थिति चलो पता कर लेते हैं। अभी का स्थिति जो है, माउथ में कार्बोहाइड्रेट जो था कार्बोहाइड्रेट जो था उसके ऊपर सलाइवर एमाइलेज पे काम किया,
और उसको तोड़ा, उसको सिंपल एडमिसिव बनाया। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट स्टोमक में डाइजेशन ना के बराबर है। अब स्टोमक में प्रोटीन जो है वो कौन सी स्थिति में है, पेप्सिन ने उसको तोड़ के पेप्टोन्स एंड प्रोटीयोस बना के रखा है, पेप्टोन्स एंड प्रोटीयोसेस। ठीक है, इस स्थिति में अभी हम लोग हैं। अभी खाना स्टोमक से चला जाएगा इंटेस्टाइन पे। ठीक है, अब इंटेस्टाइन पे जाने पे क्या होता है, देखो जब भी खाना स्टोमक से इंटेस्टाइन में जा रहा है, जब भी खाना स्टोमक से इंटेस्टाइन में जा रहा है वो खाना स्टोमक में खाना होता है एसिडिक, और इंटेस्टाइन स्टोमक का वॉल ही एसिडिक को एसिड को झेलने के लिए बना होता है। इंटेस्टाइन का जो वॉल है इंटेस्टिनल वॉल एसिड को नहीं झेल सकता, उसको एल्कलाइन चाहिए, एल्कलाइन बेसिक मतलब बेसिक चाहिए, उसको एसिडिक नहीं चलता, परवर्ता नहीं है उसको एसिड, तो उसको एसिड नहीं चलता, उसको एल्कलाइन चाहिए। तो ये जो हमारा एसिडिक फूड है इसको एल्कलाइन बनाना है हमें। अब कैसे बनेगा, लीवर क्या करता है सिक्रीट करता है बाइल, लीवर सिक्रीट करता है बाइल और उसको स्टोर कर देता है गॉल ब्लडर में। लीवर सिक्रीट करता है बाइल और स्टोर कर देता है गॉल ब्लडर में, इसको स्टोर करता है गॉल ब्लडर में। जब भी स्टोमक से खाना इंटेस्टाइन में जाता है यही बाइल इस खाने के ऊपर एक्ट कर जाता है, यही बाइल, ये जो लीवर ने बाइल सिक्रीट करके गॉल ब्लडर में रखा हुआ है वही बाइल चला जाता है उस खाने के ऊपर काम करने पे। अब ऑन द वे है एसिडिक फूड पे बाइल काम कर गया, बाइल एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, बाइल एसिड को क्या करता है न्यूट्रलाइज कर देता है और फैट्स को इमल्सिफाई कर देता है। इमल्सिफाई का मतलब है ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। तो अगर इतना बड़ा फैट है उसको तोड़ के छोटा 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 बना देगा, ऐसे छोटा छोटा करके ऐसे ऐसे बना के रख देगा। ये यहां से यहां जाने पे बाइल काम करता है, ये है इमल्सिफाइड फैट। ठीक है, समझ में आ गया कि स्टोमक में जो खाना है वो HCl के साथ मिक्स हो गया। HCl है एसिडिक, स्टोमक का जो वाल है वो स्टफ है, वो एसिड को झेल सकता है क्योंकि वो खुद एसिड बनाता है। स्टोमक का जो एसिडिक खाना है वो अगर इंटेस्टाइन में चला गया, वो एसिडिक खाना अगर इंटेस्टाइन में जाएगा इंटेस्टाइन को जला जुला के एकदम तहस नहस कर देगा। समझ रहे हो बात, तो इस खाने को करना है न्यूट्रलाइज, इस खाने को बनाना है एल्कलाइन, इस खाने को करना है ठीक। अब उस खाने को ठीक करने के लिए पहले ही लीवर गॉल ब्लडर में बाइल सिक्रीट करके रख देता है, यही बाइल आता है न्यूट्रलाइज करता है खाने को और फैट्स को तोड़ता है, करते करते वो खाना चला जाता है इंटेस्टाइन में। समझ में आ गया, ये है वो वाला सीन पूरा, क्लियर आई सपोज। अब आगे ठीक है, म्यूसिन, इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर एंड डिस्ट्रॉयज डिफरेंट बैक्टीरिया एंड वायरसेस प्रेजेंट इन द फूड। हमारे सलाइवा में, जैसे सलाइवा में होता था लाइसोजाइम, ऐसे गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक एंजाइम, और प्रेजेंट होता है
म्यूसीन। गैस्ट्रिक एंजाइम में आपका प्रोटियोज, थोड़ा सा लाइपेज, ये सब आ जाएगा। मैक्सिमम प्रोटीज क्या होते हैं, पेप्सिन, और मैक्सिमम पेप्सिन होता है, बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइपेज होता है, और एक आएगा म्यूसीन। ये म्यूसीन जो है वो लाइसोजाइम जैसा है। जो बैक्टीरिया को लाइसोजाइम नहीं मार पाया, जो माइक्रोब्स को लाइसोजाइम नहीं मार पाया, उसी बैक्टीरिया एंजाइम को, जो बेसिकली लाइसोजाइम नहीं मार पाया, नहीं मार के वो छोड़ दिया है, वो स्टमक में आने के बाद म्यूसिन जो है उसको तोड़ देगा, उसको खत्म कर देगा। ठीक है, समझ में आया? म्यूसिन जो है उस बैक्टीरिया को, उन बैक्टीरिया को जो मुंह में नहीं मार पाया, जो मुंह ने मतलब सलाइवा ने नहीं मार पाया, लाइसोजाइम नहीं मार पाया, उसको म्यूसिन मार देगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन एक हार्मोन है जो कि जी सेल्स ऑफ द स्टमक बनाता है, एंड इट इज मेनली एंडोक्राइन हार्मोन। इट स्टिमुलेट्स पैराइटल सेल्स ऑफ एचसीएल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ बेसिकली खाना जब आता है, खाना जब स्टमक में आता है, तब स्टमक में एक सेल है, उसका नाम है जी सेल। वो ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेजता है कि खाना आ गया। ब्रेन इसको डायरेक्ट करता है, भाई एचसीएल सिक्रेट कर। ये एचसीएल जाता है, पेप्सिनोजेन के ऊपर काम करता है, करके इसको बनाता है पेप्सिन। ये पेप्सिन जाता है खाने के ऊपर, करके उसके प्रोटीन जो पार्ट है, उस प्रोटीन को तोड़ के बना देता है पेप्टोन एंड प्रोटियोज। क्लियर? ये पूरा साइकिल, खाना गया, स्टोमक में सेल्स है, जी सेल्स, उसने इंफॉर्मेशन भेजा किसको, ब्रेन को, खाना आया क्या करूं। ब्रेन ने तुरंत बोला एचसीएल सिक्रेट कर, उसने एचसीएल सिक्रेट किया, एचसीएल गया। एचसीएल जाने के बाद पेप्सिनोजन को कन्वर्ट किया पेप्सिन में, पेप्सिन आया, पेप्सिन आने के प्रोटीन के ऊपर काम किया, करके पेप्टोन से प्रोटीओज में उसको तोड़ दिया। ये जो पूरा साइकिल है, क्वेश्चन है, कौन सा सेल है स्टमक में जो हम ये रिलीज करता है, क्या एच सी रिलीज करता है? बात है जी सेल्स। अब ये जो चीजें हैं ना, ये जो क्वेश्चंस, ये जो छोटे 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 क्वेश्चंस हैं, आज बहुत सारे बच्चे देख नहीं रहे हैं, समझ रहे हो बात? पता नहीं कब देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे, मैं गारंटी इस बात से बोल रहा हूं ना। ये जो मैं करा रहा हूं चैप्टर्स, ये जो मैं फैन नहीं चला रहा हूं, पसीने पसीने में मतलब लतपत हो गया, कि फैन चलाने में वॉइस कट जाता है, आप लोग को अच्छे से सुनाई नहीं देगा, वॉइस क्वालिटी नहीं होगा, मैं अपने लिए तो कर नहीं रहा हूं। और गारंटीड बात है, मैं लिख के दे रहा हूं, अगर बेटा इसमें से क्वेश्चन आ गया और तुम लोग नहीं कर पाए ना, मुझे तो दोष दे सकते ही नहीं। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, आई हैव लिव्ड दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ, जब मुझे तैयारी करना था, जब मुझे पढ़ना था, मुझे नौकरी लेना था, मुझे गवर्नमेंट जॉब करना था, मैंने वो दुनिया देख लिया बेटा। मैंने पढ़ भी लिया, गवर्नमेंट जॉब भी ले ली, गवर्नमेंट के साथ काम भी कर चुका हूँ, उनको छोड़ भी चुका हूँ, मुझे और आशा नहीं है कुछ भी, खत्म, टाटा बाय बाय, मुझे नहीं आशा इनमें से। आई वॉज एन गैजेटेड ऑफिसर, ये भी सुन लो, आई वर्क फॉर अ गवर्नमेंट, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट, आई वॉज देयर विद दम, आई हैड टू, बिकॉज माई इंटरेस्ट वॉज ऑलवेज इन रिसर्च, आई वॉन्टेड टू वर्क विद IMF, उसके लिए मुझे आगे पढ़ना था एंड रिसर्च करना था, एंड दैट्स इट, मैं उसी के पीछे लगा हुआ एंड आई एम डूइंग दैट थिंग। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं पढ़ा देता हूँ, सिंपल एज। मैं अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा, मेरे पास उतने पैसे हैं जमा कर किए हुए कि मैं आराम से जी लूँ। यही है कि चलो, इफ आई कैन मेक थिंग्स इजियर फॉर एटलीस्ट सम पीपल। एक होता है CSR बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है ना, अदानीज, अंबानी, जितने भी बड़े कंपनीज है, जो फॉरेन कंपनीज भी हो या कंस्ट्रक्शन में बड़े कंपनीज है, उनके एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। गवर्नमेंट उनको कुछ जमीने लीज पे दे तो देते हैं, बहुत कम रेट पे, मगर उनको उनका एक क्लॉज होता है कि आप उस जगह के लिए कुछ बेहतर करेंगे। उन लोगों को तो नौकरी देंगे, वो तो आवश्यक है, आपको तो नौकरी देना ही है,
वहाँ पे स्कूल्स खोलेंगे, वहाँ पे पार्क्स बनाएंगे, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का कुछ करेंगे, मगर वो आप सोसाइटी के लिए करोगे। वे ट्रीज प्लांट करोगे, जो आप लोग उखा रहा है वो उसको प्लांट करोगे, है कि नहीं, उनका मेंटेनेंस करोगे, ग्रो करोगे, वो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको करना है फ्री। गवर्नमेंट इसके लिए पैसे नहीं देगा, ना उस किसी से पैसा ले सकते। वो जो गवर्नमेंट ने माफ किया था ना, उसको सब्सिडी दे के लीज में पैसे कम कर दिए थे, उसका भुगतान वो ऐसे करता है। सिमिलरली एज ए ह्यूमन वी ऑल्सो ओ समथिंग टू दी नेशन। वो एज ए सिविल सर्वेंट हमें पता होता है कि वी हैव टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, वी आर मेंट फॉर दैट। तो हमें वो चीज करना होता है और मैं वही कर रहा हूं लिटरली। लव कैन बी ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स, रिमेंबर दैट। कभी कभार होता है ना कि वेन पीपल आर मेड फॉर बिगर थिंग्स, हो सकता है कि गॉड हैज चोजन यू टू स्प्रेड समथिंग बिगर, टू स्प्रेड नॉलेज और डू समथिंग बिगर। आई कुड हैव इजिली बीन इन लव विथ समवन एंड बी देयर फॉर एवर। खत्म। कॉन्सेंट्रेट ऑन वन, अपने ही जॉब करो, नौकरी करो, सुबह 9 बजे जाओ, 5 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, गाड़ी उठाओ, नीलबत्ती उठाओ, घूमने लग जाओ, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन वन एंड दैट्स इट फॉर एवर। रादर देन गॉड हैज चोजन मी एंड आई एम लकी दैट आई हैव बीन चोजन, बिकॉज इट्स नॉट दैट आई हैव नॉट बीन देयर विथ समवन, बट फैक्ट इज दैट गॉड हैज टेकन मी आउट ऑफ एवरी वन एंड गिवन मी टू दोज पीपल जिनको नीड है, एंड आई एम हियर स्प्रेडिंग नॉलेज एंड आई एम लव डूइंग इट। आपको लग रहा है मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं अपना सही में मैं ज्ञान के साथ साथ प्यार भी बांट रहा हूं। इट्स लाइक दैट कि आई एम स्प्रेडिंग दैट लव, कि शायद आपके सपना जो है जॉब लेने का, उसमें मैं कहीं पे छोटा एक हिस्सा बन जाऊं एंड आपको एक जॉब दिला दूं, आपके मुंह में वो खुशी हो जाए, आपके चेहरे पे वो हंसी आ जाए, टेंशन दूर हो जाए। इफ यू आर लविंग समवन, यू गो एंड गेट मैरिड टू दैट गर्ल, कि गवर्नमेंट जॉब मिल गया आप तो पापा मना नहीं करेंगे। तो वही बातें हैं। सो बीइंग ए पार्ट ऑफ योर ड्रीम्स, सो स्प्रेडिंग लव इन दैट फॉर्मेट, पीपल कैन लव वन, आई लव थाउजेंड्स नाउ, है कि नहीं। जो 3,000 4,000 लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, या कभी 500 कभी 1,000, कुछ भी, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, वीडियोस देखते हैं, आई एम हैप्पी दैट आई एम एटलीस्ट बीइंग देयर विद देम। पढ़ा रहा हूँ, उनको समझ में आ रहा है, अच्छी चीज पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ, विचारधारा समझा रहा हूँ, एंड खत्म। आई एम हियर स्प्रेडिंग लव, आई एम नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन वन, आई लव अ लॉट ऑफ पीपल, एटलीस्ट द पीपल हु आई हैव नॉट सीन। मेरे आपके साथ कोई स्वार्थ नहीं है, आई हैव नो सेल्फिश इंटेंसिटी, और कोई भी सेल्फिशनेस आपके साथ नहीं है, कि ये मुद्दे से कोई रीजन नहीं है आपके साथ मेरा, ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ। वी आर जस्ट ए पार्ट, वी आर जस्ट डिफ्रेंशिएटेड बाय वर्चुअल लाइफ, आप उस तरफ मैं इस तरफ, बट वी आर कनेक्टेड बाय वन थिंग, यू हैव अ ड्रीम एंड आई हैव द नॉलेज, आई एम गिविंग यू द नॉलेज टू फुलफिल योर ड्रीम, दैट्स इट। सो फैक्ट ये है कि देखो, पढ़ो, आई एम देयर, स्टडी स्टडी हार्ड, ले लो जॉब, मजा आएगा। होपफुली जिंदगी में कभी अगर जॉब मिल जाता है, हो सके कभी मिलने आ जाना, पूछ लेना इनसे फोन करके, अगर इनके साथ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो पता नहीं कहाँ हुआ, है कि नहीं। सो दिस इज आई लिव माई लाइफ लाइक दैट, जो मन में आता है, जो खुशी मिलती है, आई प्रूवन द सोसाइटी कि मुझे है। एक सोसाइटल प्रेशर होता है, आप पे भी होगा, मेरे पे भी था, कि सोसाइटी करता रहता है, ये कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कर दिया ना, सोसाइटी को जवाब मिल गया, मेरा काम खत्म है, अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। मुझे रिसर्च करना अच्छा लगता है, मैं आईआईटी के साथ हूँ अभी, आई एम परस्यूइंग माय पीएचडी फ्रॉम आईआईटी, सो खत्म, आई एम हैप्पी। 1 2 साल रहूंगा देश में, बाहर मौका मिल जाएगा चला जाऊंगा विदेश, फिर वहां पे रहूंगा, वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना है मुझे। मेरा एक सपना है, आई एम डिस्क्लोजिंग इट टू यू नाउ, मेरा वो सपना है कि मुझे आगे जाके जिंदगी में, अच्छा 10 साल हो, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, कभी भी हो, मुझे वो फॉरेन के यूनिवर्सिटीज में जाके एक बार उन बच्चों को पढ़ाना है। आई जस्ट वॉन्ट टू स्प्रेड एजुकेशन देयर। टाइम लगेगा, आई नो इट, इट विल टेक अबाउट 7 8 ईयर्स, 10 ईयर्स ऑफ टाइम, एंड आई एम रेडी टू गिव माई दोज थिंग्स, बिकॉज दैट्स माई अल्टीमेट गोल, आई वॉन्ट टू रीच देयर। सो दैट्स वॉट इट इज, हर किसी का गोल अलग होता है, मेरा गोल वो है, आई वॉन्ट टू डू दैट, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर। मुझे वो टीवी में मैं देखता हूँ, या मैं यूट्यूब में देखता हूँ, वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, उन्हें प्रोफेसर होते हैं, उनके कैंपस में साइकिल लेके घूमते रहते हैं,
आई लिटरली लव दैट फेनोमेनन की वही साइकिल ले लो, साइकिल लेके पढ़ाने चले जाओ, ना कोई शोशाबाजी, ना गाड़ी, ना कुछ भी, आराम से वो चल रहा है। वो पर्सन वैल्यू उसके गाड़ी से नहीं हो रहा, वो पर्सन वैल्यूड हो रहा है उसके नॉलेज से, उसके इम्पैक्ट टुवर्ड्स द सोसाइटी से। एंड लिटरली आई लव दोज थिंग्स कि हूं ना सोसाइटी में, कुछ इम्पैक्ट तो छोड़ के जाऊंगा, ऐसे तो नहीं निकलूंगा। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया कि अगर सोचो अब बात क्या है, HCL अगर हमेशा रह जाएगा ना स्टमक में, क्या होगा? आपने खाना नहीं खाया और HCL रह गया स्टमक में, तो HCL क्या करेगा ना, चलो इसको भी मैं बाहर समझा देता हूं तो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि चीजें कैसी होती है। ओके, देखो स्टमक है, मान लेते हैं ये है स्टमक, ओके, और स्टमक में एक लाइनिंग होते है, इसको बोलते हैं म्यूकस लाइनिंग। सोचो इसको बोल, ये है म्यूकस लाइनिंग, ठीक है, इसको हम लोग म्यूकस लाइनिंग मानते हैं, ये म्यूकस लाइनिंग है। हाईलाइट नहीं है क्या यहां पे? एक ही बार मैं हाईलाइट कर देता, चलो ठीक है। तो ये वाला पार्ट म्यूकस लाइनिंग है, ठीक है, ये ग्रीन वाला जगह जो अंदर वाला जगह है ये म्यूकस है, ठीक है, ये म्यूकस लाइनिंग है। ये बाहर वाला जो रेड सर्कल है, ये जो है ये है वॉल, ये पार्ट, ये जो पूरा है ये है वॉल ऑफ द स्टोमक, ठीक है। अब सोचो, इमेजिन, थिंक, अगर हमेशा HCL यहां पे बैठा रहता तो धीरे धीरे इसको डाइजेस्ट नहीं करने लग जाता ये म्यूकस? इसको थोड़ी पता है खाना क्या है, म्यूकस क्या है, इसको तो भाई डाइजेस्ट से मतलब है, ये इन सबको डाइजेस्ट करने लग जाता। धीरे धीरे क्या होता, ये डाइजेस्ट होते रहते और ये धीरे धीरे जाके आपके स्टोमक लाइनिंग को भी डाइजेस्ट कर देता, करेक्ट है कि नहीं? स्टोमक लाइनिंग के ऊपर एक्ट करने लग जाएगा तो स्टोमक में क्या होगा, अल्सर, स्टोमक में क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा, स्टोमक में इंजुरी हो जाएगा। स्टोमक में अगर इंजुरी होगा तो उसको बोलते हैं स्टोमक अल्सर, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। आप भी समझ में आया गैस्ट्रिक अल्सर क्या है? अब बात है, अगर खाना अब ये हमेशा प्रेजेंट होता तो ये करता, इसलिए वो हमेशा प्रेजेंट नहीं होता। इसलिए जब भी खाना जाता है तो स्टोमक में तो स्टोमक में जाता है तो स्टोमक में प्रेजेंट होता है जी सेल्स। ये जी सेल्स ब्रेन को मैसेज भेजता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। तो ब्रेन को मैसेज भेजता है खाना आ गया, ब्रेन इसको इंफॉर्मेशन देता है HCL सिक्रीट कर, ये करता है HCL सिक्रीट। HCL जाता है पेप्सिनोजेन जो बैठा है इनएक्टिव फॉर्म में, इसको एक्टिवेट कर देता है, पेप्सिन। ये पेप्सिन जाता है जाके फूड का जो प्रोटीन पार्ट है उस पर काम करता है और बना देता है पेप्टोन एंड प्रोटीओस। समझ गया, यह है साइकिल। अब बहुत टाइम क्या होता है, अब बोलते हैं हम लोगों के बॉडी का एक फूड साइकिल होता है, हम लोग खाना खाते एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना खाते हैं, है कि नहीं? तो सोचो आप 2 बजे खाना खाते हो, सोचो हर दिन आप 2 बजे को लंच करते हो। मैं लंच का ही बोल रहा हूं, ब्रेकफास्ट का चलो छोड़ो, ये हमेशा होता है। हाँ, मैं लंच का ऐसे बस एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये मत सोच लेना कि मतलब सिर्फ लंच में ही होता है, लंच डिनर कहीं भी हो सकता है, लंच का मैं सोचता हूं। आप लंच 2 बजे करते हो, अचानक आपकी नौकरी लग गई या इलेक्शन ड्यूटी आ गया, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, अब तो खाना पीना गया बाहर में, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी के टाइम आप इंसान नहीं रहोगे, आप बन जाओगे सिनोनिमस टू समथिंग एल्स, समझ लो, ठीक है। इसमें
खाना होगा, पीना भी होगा, सब होगा, टाइम पे नहीं होगा, वो टाइम भगवान जाने कब होगा, जब मौका मिले तब। समझ रहे हो बात? तो ये जो 2 PM का अभी तक खाते रहे हो, अचानक 2-3 महीने से ऐसा हो गया ना कि आपका 2 बजे का स्केड्यूल बिगड़ गया, आप कभी भी खा रहे हो, बॉडी का एक साइकिल बन गया। वो क्या करता है, बॉडी हमेशा एक इजी इजी प्रोसेस में काम, प्रिपरेशन बूम तैयारी है इसकी। 2 PM वो जान जाएगा 2 PM को खाना आएगा, तो तभी वो जीसस को बोलते बोल के रख देंगे इसी फेज में इतने टाइम पे, तो एचसीएल सीक्रेट कर देंगे, खाना आने के बाद तुरंत डाइजेस्ट हो जाए। इसलिए ना जो लोग टाइम पे खाना खाते हैं उनका जो पूरा खाने का साइकिल मेंटेन है, उनको बदहजमी नहीं होती, क्योंकि खाना आने के बाद स्टमक में रहता ही नहीं है, एसिड आता है, पेप्सिन कन्वर्ट होता है, फटाफट डाइजेशन होता है, इंटेस्टाइन में भेज देता है। खाना जितना टाइम स्टमक में रह जाएगा उतना हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा। खाना जितना टाइम, इसलिए बोलते हैं ना, आप क्या देखो, आप लेट से खाना खाते हो, एचसीएल आ गया, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बना दिया, पेप्सिन को खाना मिला नहीं, वो हो गया वेस्ट, वो कुछ काम का नहीं रहा। खाना आया 3 घंटे बाद, अब उसके बाद उसको जिसमें जितना क्षमता है उतना ही डाइजेस्ट करेगा, सिंपल एज दैट। तो खाना स्टमक में ज्यादा नहीं रखना है, खाना खाने को जल्दी से जल्दी स्टमक से निकाल के इंटेस्टाइन तक पहुंचाना होता है। अब इसमें बहुत सारे लॉजिक से देखो, अगर हम लोग प्रोटीन ज्यादा खाते हैं, जैसे मटन खा लिए, बहुत सारा मटन खा लिया, बहुत चिकन खा लिया, बहुत पनीर खा लिया, बोलते नहीं यार पेट भारी भारी लग रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मतलब पता है, क्योंकि मटन डाइजेशन में स्टमक से निकलने में, पूरे डाइजेशन में तो भाई बहुत घंटा लगता है, उसे स्टमक से निकलने में ही सिर्फ मटन मटन को ना कम से कम 6 से 7-8 घंटा लग जाता है, स्पाइसेस अलग से। अब मटन या डक या जो कि हाई प्रोटीनेशियस है, उनमें प्रोटीन कंटेंट इतना होता है कि उसको स्टमक में ज्यादा रहना पड़ेगा, कि स्टमक में ही प्रोटीन डाइजेशन का स्टेप शुरू होता है। वो कोशिश करता है कि जितना ज्यादा तोड़ पाए, जो तोड़ पाए वो तोड़ के रख दे, तो इसलिए स्टमक में वो उसको डीनेचर करता रहता है, तोड़ता कोशिश करता है कि और तोड़ू और तोड़ू और तोड़ू, वो स्टमक में रह जाता है। स्टमक में खाना ज्यादा तक रहना मतलब एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी क्रिएट करना, ठीक है। इसलिए सीने में दर्द होना, सीने में जलन होना, सीने में जलन होना मतलब एक स्फिंक्टर होता है, एक एक बल्ब जैसा होता है स्टमक के ऊपर, उसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, उसमें वो एचसीएल गैस जाके हीट करता रहता है, तो उससे दर्द होता है, जलन होता है। तो इसलिए जो लोग टाइम पे खाना खाते हैं ना, इसके रीजन है उनमें एसिडिटी कम होता है, जो टाइम से नहीं खाते उनमें एसिडिटी ज्यादा होता है। अब क्या है, आपने खाना नहीं खाया, कभी भी खाना खाया कुछ भी है, दिन भर नहीं खाते हो, रात में जाके एक दफा खा लेते हो, चाय पी के चल जाता है, सिस्टम ऐसा चल रहा है, तब क्या करता है ना, वो एचसीएल आता है, एचसीएल आके पेप्सिनोजेन को बना देता है, बना के वो अपना काम क्या करता है, वो म्यूकस को डाइजेस्ट करने लग जाता है। उसको कुछ नहीं मिला, वो क्या करेगा, म्यूकस डाइजेस्ट कर जाके, खाना नहीं मिला ना, तो म्यूकस डाइजेस्ट करने लग जाए, ऐसे करते करते गैस्ट्रिक अल्सर होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, कुछ हो या ना हो, टाइम पे कुछ खा लो। आप कुछ भी खाओगे ना, वो एंजाइम म्यूकस को नहीं करेगा, आपके उस खाने के ऊपर एक्ट करके वो इंटेस्टाइन में भेज देगा, उसको लगेगा कि यही खाना है उस आदमी का। तो ऑन द मूव, ऑन द गो, एप्पल भी हो गया, सब रस्ते में गाजर वगैरह मिल जाता है, ले लो एक गाजर, धो लो, खा जाओ, है कि नहीं। एप्पल ले लो, पैसे नहीं है तो बनाना ले लो, स्टूडेंट्स हो मुश्किल है कि एप्पल महंगा पड़ जाता है, आई अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, कि हर कोई पैसे वाले खानदान से नहीं आते, मुश्किल भी होती है। केले ले लो भाई, 10 रुपए के 2 केले आएंगे, 2 केला ले लो, एक दूध की पैकेट ले लो, एक थैली ले लो दूध की, 30 रुपए 40 रुपए के, एक 40-50 रुपए में हो जाता है सब, वो भी महंगा लग रहा है, तो भाई केला खा लो, पानी पी लो, उतना ही बहुत है, फिर भी तबीयत सही रहेगी, तबीयत बिगड़ेगी नहीं, समझ रहे हो। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मीन एंड से। अभी हम लोगों का खाना स्टमक में है, पेप्टोन पेप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन प्रोड्यूस बना दिया, म्यूसिन का काम आपको पता चल गया, म्यूसिन लाइसोजाइम जैसा ही एक चीज होता है, जो लाइसोजाइम नहीं तोड़ पाता मुंह में बैक्टीरियाज को,
माइक्रोब्स को, वो इंटेस्टाइन में स्टमक में जाने के बाद वो काम म्यूसिन पूरा कर देता है। अभी खाना जो एसिडिक खाना है वो स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, बाइल जाके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब खाना पहुंच गया इंटेस्टाइन में, ठीक है, अब खाना पहुंच गया इंटेस्टाइन में, अब की कहानी आगे। अब खाना पहुंच गया इंटेस्टाइन में, अच्छा खाना जब इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, पेनक्रियास सिक्रीट करेगा पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होंगे। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स में होगा पेनक्रियाटिक एमाइलेज वगैरह, उसमें एक एक होता है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन सेम वो इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको एक्टिव फॉर्म में बनाएगा एंटेरोकाइनेज एंजाइम। मैं फिर से बाहर लिख दूंगा जाके, तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन बनाता है, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन कौन बनाता है, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनाता है एंटेरोकाइनेज। ठीक है, ओके। फिर काइमोट्रिप्सिनोजन करके एक आता है, वो ट्रिप्सिन ही काइमोट्रिप्सिनोजन को या एंटेरोकाइनेज काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन बनाता है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इट इज अ प्रोटीएज दैट टेक्स टर्मिनल एमिनो एसिड ग्रुप फ्रॉम प्रोटीन। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है वो जो पेप्टोनो प्रोटीओज है उसको डाइजेस्ट कर देता है, पेप्टाइड्स डाइपेप्टाइड्स जैसे जो भी है जो बच जाता है आगे देखेंगे, वो उसको कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड में। फिर पेनक्रियाटिक लाइपेज आता है, कोलसिस्टोकाइनेज एक पेप्टाइड रिलीज्ड, वो ये इट इज अ यूनिक पेप्टाइड रिलीज्ड बाय ड्यूडेनल आई सेल्स, दे आर आल्सो प्रोड्यूसिंग रेस्पॉन्स टू काइम। अच्छा ये सब बता दूंगा, ठीक है। एंजाइम्स प्रोड्यूस इन द बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीटेन, अच्छा पहले ये पेनक्रियाटिक वाला सिस्टम करके आते हैं, उसके बाद बस थोड़ा सा बचा हुआ है, उसके बाद एमसीक्यू। एमसीक्यू आज नहीं करेंगे, आज पढ़ो ज्यादा, एमसीक्यू करने से पागल हो जाओगे तुम। देखो अभी पेनक्रियाटिक जूसेस जो है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स वो क्या करेगा, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स में पहले आता है ट्रिप्सिनोजन, फिर आता है काइमोट्रिप्सिनोजन, इन दोनों के ऊपर काम करता है एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज इन दोनों को यह बदल देता है, इसको बदलता है ट्रिप्सिन में, इसको बदलता है काइमोट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एक्ट करता है आपके वो प्रोटीन्स और प्रोटीओज नहीं है, पेप्टोन्स और प्रोटीओज जो लास्ट स्टेप में बना था, पेप्टोन्स और प्रोटीओज को इसको कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स प्लस डाइपेप्टाइड्स में। अब इस इन पेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स के ऊपर काम करता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, और इसको बना देता है उत्तर तर के, इसको लास्ट में बना देता है एमाइनो एसिड, या कुछ अगर बच जाता है तो किसी को डाइपेप्टाइड्स में भी छोड़ देता है वो, ठीक है। तो फिर से आगे इंटेस्टाइन का नेक्स्ट, ये तो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स ने एक्ट किया है, इंटेस्टाइन के अपने एंजाइम्स है वो आके फिर कंप्लीट बाकी सबको डाइजेस्ट करके चला जाएगा, ठीक है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज भी है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज डाइजेस्ट करता है जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको माल्टोज लैक्टोज इन सब में कन्वर्ट कर देता है, समझ में आया। अब क्या बचा है, खाना कहां पे है, अभी खाना अभी
फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कि बोलते हैं डुओडेनम, यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है। आगे जेजुनम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, फिर है जेजुनम, फिर है इलियम। यहां पे खाना जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब उसके बाद का पोर्शन है एब्जॉर्प्शन। तो हम लोगों का खाना यहां पे बैठा हुआ है, पूरा डाइजेशन हुआ नहीं है, थोड़ा सा डाइजेशन बचा हुआ है, कल हम लोग फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग पूरा डाइजेस्ट करेंगे खाने को। समझ में आया? कल करेंगे अगर टाइम हुआ तो, नहीं तो परसों करेंगे। कोशिश करूंगा कि कल ही कर दूं, आई विल ट्राई एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, क्योंकि कल 10 बजे से चांदमारी में क्लास है, तो मुझे 9 बजे निकलना पड़ेगा यहां से कि मैं वहां पे 10 बजे पहुंचूं। तो यहां पे क्लास शुरू करना पड़ेगा कम से कम 7 बजे, है कि नहीं? तो देख लेते हो बच्चे ने क्या मैसेज करा। तो अगर 7 बजे शुरू करूंगा तभी जाके ये एमसीक्यू वगैरह खत्म होएगा ना, तो मैं कोशिश करूंगा वही चीज कि 7 बजे तक खत्म कर दूं, मैं शुरू कर दूं, सो दैट आई कैन मूव एंड आपका भी हो जाए। मैं कितना दिन क्लास करूंगा बेटा, जब तक हो। अगर 7 बजे शुरू करूंगा तभी जाके ये एमसीक्यू वगैरह खत्म होएगा ना। अच्छा, मैं कितना दिन क्लास करूंगा? मैं 1 साल हूं यहां पे, दैट्स फॉर श्योर मैं हूं। देखो, अगर मैं चला भी जाता हूं ना, अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहता है, आप लोग जुड़े रहते हो मेरे साथ, दीज आर ऑनलाइन क्लासेस, आई कैन बी देयर विथ यू फ्रॉम एनीवेयर, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई कैन बी देयर ऑल। तो वीडियो तो बनाना है, एक स्टूडियो बना के वीडियो बना दूंगा। और यहां का जो सिस्टम नहीं है, बाहर दिल्ली वगैरह में ना हम लोगों को स्टूडियो, एक आदमी होता है वो स्टूडियो बना के रख देता है, हम लोग जाकर स्लॉट बुक करते हैं, स्लॉट बुक करके पैसे देते हैं उसको, फिर अपना वीडियो बनाते हैं, एडिटर होता है, अपलोड होता है, हम लोग चले जाते हैं। समझ रहे हो बात? तो ये सिस्टम दिल्ली वगैरह, दिल्ली में, बॉम्बे में, यहाँ पे चल जाता है, कलकत्ता में भी चल जाता है, गुवाहाटी में थोड़ा सा नया है ना, इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा नहीं है सेक्टर में, धीरे धीरे गुवाहाटी में भी हो जाएगा, वो मत डरो, आई एम देयर। जब तक आप गवर्नमेंट नौकरी नहीं ले लेते हो, मैं हूं यहाँ पे। एटलीस्ट वन थिंग यू कैन बैंक अपॉन is that I am loyal, I'm truly loyal. I understand the dependencies of people when you dream and you at least understand that koi to insaan hai jisme bharosa hai, when you trust somebody that yes, this person can help me reaching my own dream, and I will never break those promises, I will never break those responsibilities, I'm not that. Main hu, aap nischint hoke parho, सुभजीत सर है आपके साथ, आप लोगों के सबके साथ है, और हम लोग पढ़ते रहेंगे टिल वेन एवर। एंड मेरे लिए ना एक बात है, पता है, एक बात किसी ने मुझे बोला था कि फॉर एवर इज ए मिथ। मैं तब बोलता था नहीं, ये वो बोलती थी कि फॉर एवर इज ए मिथ, इट इज टिल वेन एवर। मुझे उस चीज समझ में ना तब आया ना अब आया। मेरे लिए फॉर एवर मिथ नहीं है, फॉर एवर इज ए रियलिटी, and forever happens, it really happens, and forever in any format happens. हूँ मैं आप लोग के साथ हमेशा हूँ। सुभजीत सर कितने भी बड़े बन जाए, फिर भी आप लोग के सर, आप लोग के लिए वही सुभजीत सर रहेंगे, है कि नहीं? तो आप पढ़ो, निश्चिंत होके पढ़ो, मस्त से पढ़ो। जब तक ऑफिसर नहीं बनोगे, जब तक गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगेगी, मैं हूँ, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट। चलो, बात यह है, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका जो नेक्स्ट वर्जन है, यह मैं कल लाने की कोशिश करूंगा। दुआ करो कि सुबह 6:30 बजे उठ जाऊं, क्योंकि आज रात पीएचडी का काम नहीं, मैं रात को पीएचडी का काम करने जाता हूं, आज मेरा नहीं है काम, आज और कल काम नहीं है मेरा पीएचडी का। तो होपफुली आई विल स्लीप अर्ली एंड आई विल राइज अप अर्ली, एंड हो सके तो कल 7 बजे लेके आ जाऊंगा। होपफुली आप लोग को वीडियो मिले, भगवान को प्रे करो, इसको खत्म कर दूंगा। एमसीक्यूज बहुत सारे लिखे हुए, बहुत मजेदार वाले एमसीक्यूज है,
उसमें एक्सप्लेनेशंस रखे हुए हैं, कराने का बहुत मन है, होपफुली हो जाएगा। ठीक है, डन, दैट्स इट। ट्राई करूंगा, अगर हो सके मूड उड बन गया तो दोपहर को भी इसका एक्सटेंडेड वर्जन क्लास लेके आ जाऊंगा। कुछ भरोसा नहीं है मेरा, मैं क्लास बिना बात करता पता है, क्लासेस हैं यूट्यूब में रहेगा, आज नहीं तो कल देख ही लोगे। देखता हूँ दोपहर को मन करके तो दोपहर को और एक क्लास डाल दूंगा इसका, और क्या है, कल वाला सुबह आना है उससे पहले डाल के रख दो, तुम लोग देख लेना है कि नहीं। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ो, मैं हूं, और मस्त से पढ़ो, मैं हूं। व्हेन आई सेड आई एम देयर, आई एम देयर। लोग चले जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। व्हेन आई कमिट, आई कमिट, ये है मेरे में। व्हेन आई हैव प्रॉमिस समथिंग, इफ आई हैव प्रॉमिस दैट चलो आई विल डू इट, एंड इफ पीपल इवन फॉरगेट देयर प्रॉमिसेस आई स्टिल डू इट। आई कभी कभार होता है दो लोगों में प्रॉमिसेस होते हैं एंड एक चला जाता है, बट वो सपना और प्रॉमिस तो दोनों मिलके ही किया था ना, मैं अकेला पूरा कर देता हूँ, वो उतना क्षमता है, आई डू इट अलोन। ठीक है, समझ गए, खत्म। इतना पढ़ लो पहले, आगे का वेट करो, रिवाइज कर लेना बहुत अच्छे से, पूरा वीडियो देखो, रिवाइज करो, मैं कल या नेक्स्ट वीडियो में फिर से रिवाइज करा दूंगा। रिवाइज करा के आगे जाऊंगा, उसमें डिजीजेस भी होंगे, ये जो जैसे गैस्ट्रिक अल्सर का बता दिया, और बहुत सारे डिजीजेस है, पेनक्रियस के डिजीजेस हैं, फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे बनता है, वो पूरा डिस्कस करते हुए निकल के मैं ये इसको खत्म करूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अब मुझे ऐप का क्लास है, पार्लियामेंट पर आना है ऐप में। चलो बाय।